इतिहास के दो सबसे कैटास्ट्रोफिक ओशियन डिजास्टर्स जो हजारों किलोमीटर में फैले ओशियन के बीच महज कुछ 100 मीटर के फासले पर हुआ था। दोनों के फेलियर के पीछे सीरियस इंजीनियरिंग फ्लॉज तो थे ही, साथ ही साथ लालच और घमंड की कहानी भी छिपी हुई थी। एक तरफ थी टाइटैनिक, जो अपने समय की सबसे एडवांस्ड और सेफ शिप मानी जाती थी और जिसे अनसिंकेबल का टाइटल हासिल था। टाइटैनिक अपने क्रू की लापरवाही, कैप्टन के इग्नोरेंस, लाइफ बोट्स एंड दूसरे सेफ्टी मेजर्स की कमी और ओनर्स के लालच का शिकार हुई और अपने पहले ही सफर में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिकन कंपनी ओशियन गेट के द्वारा बनाई गई टाइटन सबमर्सिबल, जो साल 2023 में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकली थी, लेकिन किसे पता था कि ये फिर कभी वापस ही नहीं आएगी। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर के इंजीनियर्स, सेफ्टी एक्सपर्ट्स और ओशियनोग्राफर्स को हिला कर रख दिया था। और रिसेंटली इससे जुड़ी एक हियरिंग में जो बातें सामने आई है ना, वो जानने के बाद आप शॉक हो जाने वाले हो। लेकिन उससे पहले चलो टाइटन सबमर्सिबल के साथ हुई घटनाओं को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों 18 जून 2023 ये वो दिन था जब ओशियन गेट के टाइटन सबमर्सिबल ने अपने एम्बिशियस मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें ये 5 पैसेंजर्स को टाइटैनिक के रेक साइट तक ले जाने वाली थी, जो 3,800 मीटर्स की गहराई पर अटलांटिक ओशियन के अंदर थी। इस मिशन के लिए पैसेंजर्स से $2,50,000 पर पर्सन चार्ज किया गया था और टाइटन सबमर्सिबल में सवार 5 पैसेंजर्स थे ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैमिस हार्डिंग और रिनोन्ड फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी नार्ग्युलेट। लेकिन इस डाइव के सिर्फ 90 मिनट्स के बाद सबमर्सिबल का कॉन्टैक्ट उसकी मदरशिप पोलार प्रिंस से टूट जाता है। इस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के बाद इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसे द यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, US नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स ने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ना अथॉरिटीज ने डिक्लेयर किया कि सबमर्सिबल का कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो चुका था, जो इस ट्रेजिक इवेंट का कारण बना। इम्प्लोजन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का अंदर की तरफ कोलैप्स करना, जब उसके बाहर का प्रेशर उसके अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो जाए। ये बिल्कुल एक्सप्लोजन का ऑपोजिट होता है, जिसमें फोर्स बाहर की तरफ निकलती है। जब बाहर का प्रेशर इतना इंटेंस हो जाए कि ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाए, तब ऑब्जेक्ट तुरंत ही अपने आप अंदर की तरफ गिरता है और ये प्रोसेस मिलीसेकंड्स में हो जाती है। अब दोस्तों जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो ना, ऐसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। जाकर के मुझे Instagram पे फॉलो करो, जहां पे मैं जल्द ही लाइव सेशन शुरू करने वाला हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो टाइटन सबमर्सिबल के केस में ना, ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन तब हुई थी जब ये 3,800 मीटर की गहराई तक पहुंचा था। इस डेप्थ पर वाटर प्रेशर सी लेवल के कंपैरिजन में लगभग 400 गुना ज्यादा होता है। टाइटन सबमर्सिबल ये एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर नहीं झेल सका और इसमें इम्प्लोजन देखने को मिला। जब इसकी न्यूज सामने आई तो इंसिडेंट ने दुनिया को हिला दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रेवलेशन सामने आए हैं ना, उन्होंने इसे सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि ह्यूमन नेग्लिजेंस का रिजल्ट बना दिया है। अब मैं आपको ओशियन गेट और टाइटन सबमर्सिबल के इम्प्लोजन से जुड़े जो भी स्टेटमेंट्स और सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं ना, वो US कोस्ट गार्ड के एक पैनल ने जो हियरिंग अरेंज की है उसके आधार पर रिवील हुई है। पीटर गर्गेस, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक ओशियनोग्राफर है, उन्होंने टाइटन सबमर्सिबल के डिजास्टर को लालच का सिंबल कहा और इसे टाइटैनिक के साथ हुई घटना से जोड़ा, जिसका मलबा इसके महज कुछ 100 मीटर्स दूर मौजूद है। एक और विटनेस डेविड लॉकरिज, जो ओशियन गेट के मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2018 में ही सबमर्सिबल की सेफ्टी इश्यूज को फ्लैग किया था। साथ ही साथ उन्होंने साल 2018 की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सबमर्सिबल के कंस्ट्रक्शन पर सेफ्टी कंसर्न्स रेज करते हुए प्रोजेक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश के साथ लॉकरिज की बहस होती है और उन्हें फायर कर दिया जाता है। लॉकरिज ने ओशियन गेट के ऑपरेशंस को स्मोक एंड मिरर्स कहकर डिस्क्राइब किया, यानी कंपनी महज सेफ्टी और सक्सेस की इल्यूजन क्रिएट करने पर फोकस कर रही थी, ना कि एक्चुअल साइंटिफिक रिगोर और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर। अब लॉकरिज का साफ कहना था कि ओशियन गेट और उसके CEO स्टॉकटन रश का फोकस साइंस और सेफ्टी पर था ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ पैसे बनाने थे। इसका
एग्जांपल है टाइटन का व्यू पोर्ट, जो एक्चुअली में सबमर्सिबल की एक एक्रिलिक विंडो थी और सबमर्सिबल के प्रेशर रेजिस्टेंस के लिए बेहद जरूरी कंपोनेंट था। इसके मैन्युफैक्चरर ने इसे सिर्फ 1000 मीटर की गहराई पर जाने के लिए सर्टिफाई किया था, पर ओशियन गेट ने इस व्यू पोर्ट को 4000 मीटर की डेप्थ तक ले जाने का डिसीजन लिया, वो भी बिना किसी एडिशनल सर्टिफिकेशन के। ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग थी, लेकिन कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ने इसे इग्नोर कर दिया और कस्टम व्यूपोर्ट डिजाइन किया जो अनटेस्टेड और अनसर्टिफाइड था। अब इससे पहले कि मैं आपको टाइटन सबमर्सिबल के फ्लॉज को और डिटेल में बताऊं, चलो हम टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को डीपली एनालाइज करते हैं। दोस्तों, टाइटन सबमर्सिबल का डिजाइन एक तरह से एक्सपेरिमेंटल था और इसका स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स के साथ दोनों एंड्स पर टाइटेनियम हेमिस्फीयर से बना हुआ था। इस इमेज के जरिए आप इसके स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। अगर बात करें इसके लेंथ की, तो ये 6.7 मीटर लंबा था, जिसका वेट करीब 10,432 किलोग्राम का था और इसमें टोटल 5 ही लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। ओशियन गेट ने कार्बन फाइबर का यूज इसीलिए किया था क्योंकि ये एक लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है, लेकिन रियलिटी में अंडर वाटर डेप्थ के लिए ये मटेरियल अनरिलायबल कहा गया है, जिसे ओशियन गेट ने इग्नोर कर दिया। अब जहां ट्रेडिशनल सबमर्सिबल्स में स्टील या फिर टाइटेनियम यूज होता है ना, टाइटन का कार्बन फाइबर सिलेंड्रिकल प्रेशर हल अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी क्लियर हुआ कि टाइटन का व्यू पोर्ट 4000 मीटर डेप्थ के लिए सर्टिफाइड ही नहीं था, जो एक पैसेंजर के लिए एक बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कार्बन फाइबर के फटीग रेजिस्टेंस और अंडर वाटर प्रेशर रेजिस्टेंस में काफी डिफरेंसेस होते हैं। कार्बन फाइबर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, लेकिन जब वाटर प्रेशर 400 एटीएम से ज्यादा होता है ना, तो इस मटेरियल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टॉकटन रश ने इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए टाइटन को टाइटैनिक रैक तक ले जाने का डिसीजन लिया, जिसमें व्यू पोर्ट के साथ रिस्की डेप्थ पर सबमर्सिबल को ले जाया गया। अब आपको बता दूं कि जब सबमर्सिबल से हमारा कम्युनिकेशन टूटा, तो कुछ घंटों के अंदर ही इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs को ओशियन फ्लोर पर भेजा था, जिससे कि टाइटन सबमर्सिबल के मलबे को लोकेट किया जा सके। इस रिसर्च के दौरान उन्हें टाइटन का टेल कोन इंटैक्ट मिला था, लेकिन प्रेशराइज्ड कार्बन फाइबर सेक्शन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। ROV फुटेज के एनालिसिस से क्लियर होता है कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर सबमर्सिबल के फॉरवर्ड हेमिस्फीयर में शुरू हुआ था, यानी कि टाइटन सबमर्सिबल का ये जो आगे वाला पार्ट है ना, वहां कार्बन फाइबर हल फ्रैक्चर हो गया था और वाटर प्रेशर ने पूरे स्ट्रक्चर को मिलीसेकंड्स के अंदर ही इनवर्ड क्रश कर दिया। ये इम्प्लोजन इतने कम समय में हुआ था कि सबमर्सिबल के पैसेंजर्स को कोई भी रिएक्शन का टाइम नहीं मिला होगा, यानी उन्हें ये पता ही नहीं चला हुआ होगा कि वो खत्म होने वाले हैं। आयरनी ये है कि सर्च टीम टाइटन के रैकेज से कोई भी ह्यूमन बॉडी रिकवर नहीं कर सकी, वहां बचे थे तो सिर्फ ह्यूमन रिमेन्स, जिनके DNA एनालिसिस से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। ये सब सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन कई सारे इंजीनियरिंग फेलियर्स का नतीजा था। लेकिन US कोस्ट गार्ड के द्वारा अरेंज की गई इस हियरिंग में ओशियन गेट पर इसके अलावा भी कई संगीन आरोप लगाए गए। ओशियन गेट के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने कंपनी के अंदर एक टॉक्सिक कल्चर के बारे में बताया, जिसमें स्टॉकटन रश बिना किसी की बात सुने रिपीटेडली सेफ्टी रेगुलेशंस को अवॉइड करते थे। डेविड लॉकरिज ने रिवील किया कि ओशियन गेट के एम्प्लॉयज को रिस्की मिशंस पर जाने के लिए फोर्स किया जाता था और कंपनी के अंदर सेफ्टी रिलेटेड डिस्कशंस भी नहीं होते थे। रश ने सबमर्सिबल के ऑपरेशन के लिए एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर का यूज किया, जो काफी पब्लिक स्क्रूटिनी का सब्जेक्ट बना। लेकिन रश का गोल सबमर्सिबल को ऑपरेट करना सिंपल बनाकर उसे कमर्शलाइज करना था, ताकि वेल्दी टूरिस्ट इसे एक्सपीरियंस कर सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। पर उनका ये लालच इस डेडली इंसिडेंट की वजह बना, जिसमें खुद उनकी भी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर टाइटन सबमर्सिबल में इतने ही फ्लॉज थे, तो इसने 2021 से 2023 के बीच की अपनी डाइव्स को कैसे की थी? और ओशियन गेट अगर इतना इग्नोरेंस कर रही थी, तो साल 2009 से ये अंडरवाटर टूरिज्म कैसे कंडक्ट करा रही थी? वेल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ शॉकिंग बातें रिवील हुई, जो पहले कंडक्ट की गई डाइव्स के अनडिस्क्लोज्ड इंसिडेंट्स को बताती थी। एक की इंसिडेंट 2016 के एंडिया डोरिया रेक डाइव का था, जिसमें
स्टॉकटन रश ने अपने गलत मैन्यूवर्स के कारण सबमर्सिबल को क्रैश कर दिया था। डेविड लॉकरिज जो उस टाइम कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने स्टॉकटन रश को वार्न किया था, लेकिन उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। स्टॉकटन ने सबमर्सिबल को फुल स्पीड में रैकेज में क्रैश कर दिया, जिससे सिचुएशन काफी डेंजरस हो गई थी। एक और इंसिडेंट जून 2023 के पहले डाइव का था, जब टाइटन का बालास्ट टैंक मैलफंक्शन कर गया था, लेकिन स्टॉकटन ने इस इश्यू को माइनर प्रॉब्लम बताया और डाइव को अबॉर्ट कर दिया। ट्राइटन सबमरीन्स, जो खुद अंडर वाटर टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, उनके सीईओ पैट्रिक लाहे ने बताया कि जब उन्होंने टाइटन सबमर्सिबल को साल 2019 में देखा था, तो उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन को एमेच्योरिस डिस्क्राइब किया था, यानी ये ओशन ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था एंड क्लियरली अनसेफ और अंडर इंजीनियर्ड पाया गया था, लेकिन ओशन गेट ने इन वार्निंग्स को बिल्कुल अवॉइड किया। अब दोस्तों बात करते हैं उस फाइनल मैसेज की, जिसने इस केस से जुड़ी अथॉरिटीज को हैरान करके रख दिया था। 18 जून 2023 की सुबह टाइटन ने अपनी फाइनल कम्युनिकेशन 10:14 पर भेजा था, जिसमें लिखा था ऑल गुड हियर, यानी वहां पर सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके महज 33 मिनट्स बाद टाइटन ने एक और मैसेज भेजा, ड्रॉप्ड टू वेट्स, जो ये बताता है कि सबमर्सिबल को डिसेंट स्लो करना पड़ रहा था, यानी इसको हल्का किया जा रहा था, जिससे ये ओशन में थोड़ा ऊपर की तरफ रहे और तेजी से नीचे ना जाए। ये मैसेज भेजने के सिर्फ 6 सेकंड्स बाद टाइटन सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन इंस्टेंटली टूट गया और कुछ घंटों के अंदर ही अथॉरिटीज ने डिक्लेयर कर दिया कि सबमर्सिबल का कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो चुका है। दोस्तों ओशियन गेट के टाइटन सबमर्सिबल डिजास्टर के पीछे किसकी गलती थी और यहाँ क्या क्या सीक्रेट्स छिपे हुए हैं, ये तो हमें आने वाले वक्त में और भी पता चलता ही रहने वाला है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में इंजीनियरिंग और एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी के लिए एक वैल्यूएबल लेसन छिपा हुआ है, और वो ये है कि सेफ्टी रेगुलेशंस और मटेरियल टेस्टिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे गोल कितना ही एम्बिशियस क्यों ना हो। टाइटन का ये इंसिडेंट ह्यूमन लाइफ के लिए एक वार्निंग है कि जब हम सेफ्टी को इग्नोर करते हैं ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा डिवास्टेटिंग ही होते हैं। फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, थॉरो टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी सीखना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस और कमर्शियल ग्रीड को कभी भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में एंटर नहीं होने देना चाहिए। बाकी आप इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे सबमरीन के बारे में जिसको लेकर के एक एक्सप्लोरर ने नॉर्थ पोल को समुद्र के नीचे से, जी हाँ दोस्तों, समुद्र के नीचे से नॉर्थ पोल तक जाने की कोशिश की थी, पर उसके सफर में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने सबमरीन को एक तरह से स्टक ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ता गया। पर क्या वो नॉर्थ पोल तक समुद्र के नीचे नीचे पहुंच पाया, जानने के लिए इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।